वही पुलिस कप्तान परिश्वेता चौबे ने जनपद के अंतर्गत आने वाली सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपराधियों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया है। वहीं श्रीनगर पुलिस ने 2022 के इनामी बदमाश को तमिलनाडु के से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसएसपी ने बताया कि श्रीनगर निवासी शूरबीर सिंह भंडारी ने थाना श्रीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अरुण आज श्रीनगर के कुछ व्यक्तियों और व्यापारियों से फर्नीचर व अन्य घरेलू सामान बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। नवंबर में हमारे यहाँ वादी ने थाने में कोटद्वार थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई लोकल व्यापारियों से एक अरुण राज जो चलैया करके जो अभियुक्त है उसके द्वारा उगाही की गई है और उसके बाद घरेलू सामान देने के नाम पे और उसके बाद से वो फरार है। इस पे अभियोग पंजीकृत किया गया और चूंकि जो धोखाधड़ी का अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा था तो इसमें स्पेशल टीम गठित की गई। टीम द्वारा कई जगह दबिश दी गई और चूंकि ये लगातार फरार चल रहा था इस पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था और हमारी टीम ने कल इसको थंजौर तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है।